आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ढाबा स्टाइल चिकन मसाला। ढाबा स्टाइल चिकन मसाला रेस्टोरेंट और घर के चिकन से काफी अलग होता है और काफी टेस्टी होता है। इस चिकन की रेसिपी को बनाने के लिए कोई भी स्पेशल मसाले का जरूरत नहीं है। घर पे रखे सिंपल मसाला का यूज करके इस रेसिपी को हम बनाएंगे। बस इस चिकन को जो हम बनाएंगे थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल ढाबा में जैसे बनाया जाता है। तो मैं हूँ सोमा और आपका स्वागत है सोमास किचन में। तो चलिए आज की मजेदार ढाबा स्टाइल चिकन मसाला को बनाना शुरू करते हैं। ढाबा स्टाइल चिकन मसाला बनाने के लिए मैं यहाँ पे 600 ग्राम चिकन ले रही हूँ। चिकन को अच्छे से धो के तैयार कर लेंगे। तो बेसिकली चिकन का फर्स्ट स्टेप रहता है उसका मैरिनेशन। तो हम यहाँ पे मैरिनेशन कोई मसालों से नहीं, सिर्फ हाफ लेमन जूस से करेंगे। अच्छे से स्क्वीज कर लेंगे। आप लेमन की जगह 1 टेबल स्पून विनेगर का भी यूज कर सकते हैं। इससे चिकन में हल्का खट्टापन आएगा। अब इसे मिक्स करके 10 से 15 मिनट तक रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। मैं यहाँ पे एक टमाटर ले रही हूँ। टमाटर को अच्छे से हम चॉप कर लेंगे। मैं यहाँ पे चॉपर से चॉप कर रही हूँ, आप इसे चाकू से भी चॉप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं टमाटर एकदम फाइन चॉप्ड होके तैयार है। अब इसे हम एक बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम 10 से 12 लहसुन के कलियां और 2 इंच अदरक लेंगे। लहसुन अदरक को हमें पेस्ट नहीं बनाना है, इस तरह दरदरा कूट के तैयार कर लेंगे। कूटा हुआ लहसुन अदरक का टेस्ट चिकन में बहुत ही अच्छा आता है। तो लहसुन अदरक कूट के तैयार है, चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब हम एक कढ़ाई को गरम कर लेंगे। कढ़ाई के गरम होते ही इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून जीरा, 2 टेबल स्पून धनिया, 3 सूखी रेड मिर्च। साथ में हम कुछ लेंगे खड़े मसाले, 2 से 3 लौंग, 1 दालचीनी, 2 इलायची, 10 से 11 काली मिर्च। इसे भी साथ में ऐड कर देते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे 2 से 3 कश्मीरी रेड चिली का भी यूज कर सकते हैं। अब गैस का फ्लेम हम यहाँ पे मीडियम रख के इसे कंटिन्यू चलाएंगे। ध्यान रहे खड़े मसाले हमारा जलना नहीं चाहिए। इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक इससे एक अच्छा सा स्मेल ना निकले। जब ये हल्का फ्राई हो जाता है तो इससे एक अच्छा सा स्मेल आने लगता है। खड़े मसाले जब फ्राई हो जाए इसे निकाल के ठंडा कर लेंगे। उसके बाद इसे हम पीस करके तैयार कर लेंगे। मसाला जब हमारा ठंडा हो जाए तो इसे हम ग्राइंडिंग जार में डाल के पीस लेंगे। आप देख सकते हैं मसाले का टेक्सचर एकदम पाउडर फॉर्म में रखना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस की ओर, जिसके लिए हम एक कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। कढ़ाई के गर्म होते ही इसमें हम ऐड करेंगे सरसों का तेल। अधिकतर ढाबाज में सरसों का तेल से चिकन को बनाया जाता है। इससे चिकन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहे तो अलग तेल का भी यूज कर सकते हैं। तेल जब हमारा अच्छा गर्म हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे 1 तेजपत्ता। तेजपत्ता को मैं तोड़ के डाल दी हूँ। साथ में 2 बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हमें यहाँ ब्राउन होने तक फ्राई करना है। प्याज जब हमारा फ्राई हो जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन। अब अदरक लहसुन को भी हम कुछ देर तक भून लेंगे। आप चाहे तो अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर क्रश करके हम अदरक लहसुन को यूज करेंगे तो चिकन का टेक्सचर बिल्कुल ढाबा स्टाइल की तरह होगा। जब अदरक लहसुन अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे हम 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, साथ में 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। मैं यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली का यूज कर रही हूँ। अगर आप तीखा वाला यूज करें तो कम यूज करें, क्योंकि हम मसाले में भी 3 रेड मिर्च पहले यूज कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे चिकन। चिकन में अगर एक्स्ट्रा पानी निकलता है तो आप उसे हटा लें। अब गैस का फ्लेम यहाँ पे हाई करके चिकन को हम 5 मिनट तक भूनेंगे। साथ में स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं। 5 मिनट फ्राई करने के बाद गैस का फ्लेम हम मीडियम कर लेंगे और इसे 5 मिनट तक और कवर करके छोड़ देते हैं। बीच में एक बार इसे अब चला लें। अब 5 मिनट बाद कवर को हम हटा लेंगे। आप देख सकते हैं चिकन में कितना ज्यादा मॉइस्चर निकला है। अब इस पानी को हम ड्राई करेंगे। जब चिकन का मॉइस्चर ड्राई हो जाए तब इसमें हम ऐड करेंगे पिसा हुआ मसाला। अब मसाले के साथ हम 1 से 2 मिनट तक चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। साथ में हम यहाँ पे 1 टेबल स्पून चिकन मसाला लेंगे। आप कोई भी ब्रांड का चिकन मसाला ले सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला हमारा जल ना जाए। अब इसे 1 मिनट तक और फ्राई करेंगे। आप इस चिकन की रेसिपी को 20 से 25 मिनट में आराम से रेडी कर सकते हैं। चिकन हमारा 70% पक चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर, जो हम चॉप करके रखे थे। टमाटर को पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो आप टमाटर को लास्ट में ही ऐड करें। टमाटर ऐड करने के बाद 1 मिनट तक और इसे हम फ्राई करेंगे। अब मसाले की ग्रेवी के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप जितना पानी। आपको अगर ज्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप एक्स्ट्रा वाटर ऐड कर सकते हैं। पानी ऐड करने के बाद इसे हम कवर करके और 5 मिनट तक मीडियम से लो आंच पे पका लेंगे। अब लास्ट के 5 मिनट इसे हम जो धीमी आंच में पकाएंगे तो सारे फ्लेवर चिकन में अच्छे से जाएंगे और चिकन हमारा परफेक्टली पक के भी तैयार हो जाएगा। अगर आप टेस्टी चिकन बनाना चाहते तो इस प्रोसेस को लास्ट में जरूर फॉलो करें।
अब 5 मिनट बाद हम कवर को हटा लेंगे। आप देख सकते हैं चिकन हमारा कितना ज्यादा टेस्टी लग रहा है और कितना अच्छा सा कलर आया चिकन पे। तो देखा आपने यहाँ जो हम मसाला यूज किए किस प्रोसेस में यूज किए, प्याज अदरक लहसुन टमाटर कोई भी चीज को हमें पेस्ट नहीं बनाना है, बस इसे चॉप करके ही डाले। अब लास्ट में हम जो पानी यूज किए वो भी हमारा 50% हो चुका है और चिकन भी हमारा अच्छे से पक चुका है, बस इसे ज्यादा इसे हम और नहीं पकाएंगे। अब लास्ट में हम यहाँ पे कुछ कटा हुआ धनिया पत्ता लेंगे, एक बार मिक्स कर लेते हैं इसे। तो तैयार है स्पाइसी एंड डिलीशियस ढावा स्टाइल चिकन मसाला। तो चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं। आप इस चिकन रेसिपी के साथ तंदूरी रोटी, नान या फिर राइस किसी के साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो आप इस ढावा स्टाइल चिकन मसाला को जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मैं भी कोशिश करूंगी आप लोगों के साथ टेस्टी रेसिपी शेयर करूं। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।